पूरी गल सुन लियो, जे ना वीडियो चंगी लगे चक के मारे वीडियो नू डिलीट करके। धन्यवाद। ये काम खतरे वाला लगता है तो काम छड़ दियो, होर कोई काम कर लो। ये गन मैना दे उत्ते व्यंग कसदे होए भगवंत मान साहब ने कहा सीगा, जिन्हां नू डर लगता ओ पॉलिटिशियन दा काम छड़ के कोई होर काम कर लो। अज मैं भगवंत मान साहब तो पुछना चाहना कि उन्हां नू कादा डर लगता कि वह 800 तो उपर गनमैन नाल लई फिरदे ने। उन्हां दी धर्म पत्नी कोल वक्खरे ने, माता जी कोल वक्खरे ने, भैण कोल वक्खरे ने, पढ़ाईए कोल वक्खरे ने, भाणजे कोल वक्खरे ने। राघव चड्डे नू जेड प्लस सुरक्षा दित्ती होई है, अरविंद केजरीवाल नू पंजाब दी सुरक्षा दित्ती होई है। केड़ी गल्लो पंजाब दे मुद्दियां दे उत्ते 1% भी ध्यान है नहीं। जे मैं गल अज दो मुद्दियां दी गल करांगा, पंजाब दे विच 18 साल दा पंचायत मैंबर, सॉरी 28 साल दा पंचायत मैंबर चिट्टे दी ओवरडोज नाल अपनी जीवन लीला समाप्त कर गया, कि तुसी हुण जिम्मेवारी लैंदे हो इस गल दी। ओ किसे दा पुत सी, केड़ा चिट्टा तुसी खत्म करता, केड़ा नशा तुसी खत्म करता, दसो मैनू एक नशा दस दो कि आ नशा असी खत्म करता। 28 साल दा पंचायत मैंबर नशे दी ओवर डोज करके मर गया। ते भगवंत मान साहब गुजरात जा के इलेक्शनां दीआं तैयारियां करा रहे ने। जे तुसी रहना ही गुजरात है, छड़ दियो पंजाब नूं, क्यों पंजाब दा पट्ठा गुल कीता पिया। इन्ना माड़ा दौर कांग्रेस च नहीं सी चलिया जिन्ना तुसी माड़ा दौर कहन लाता, कांग्रेस ही चंगी सी थोड़े नालों दा। ए गल आम लोकां दे कहन लाती कि थोड़े नालों दा कांग्रेस लख गुणा वधिया सी। मुलाजम थोड़े तो दुखी ने, किसान थोड़े तो दुखी ने, केड़ा तबका है जेड़ा थोड़े तो खुश है। जेड़ा तुसी बिल लेके आंदे हो ओही बिल रिजेक्ट हो जांदा है, तुसी विधानसभा दा सैशन बुलांदे हो ओ रिजेक्ट हो जांदा है। यार थोड़े कोल केड़ा तुहानू सलाह दिंदा है, कोई सलाहकार चज दा रख लो, कोई पढ़िया लिखिया रख लो, कि जेड़े चेपी लांदे ने थोनू ओही सलाहकार वधिया लगदे ने, जेड़े थोनू जी जी करदे ने ओही सलाहकार वधिया लगदे ने। एक होर घटना तुहानू मैं दस दिया नवा शहर दी। उत्थे एक बंदा नशे दा आदी सी, घर वाली बच्चे लैके पेके चली गई, तो नशे आले बंदे ने घर दा पतीला नहीं छड्डिया, घर दी बाल्टी नहीं छड्डी, घर दा गैस नहीं छड्डिया, घर दा सिलंडर नहीं छड्डिया, घर दे विच लगियां गेट ग्रिलां नहीं छड्डियां, छत ते लगियां ग्रिलां नहीं छड्डियां। जदों आखर वारी गेट दी आ गई तां 4500 रुपए दे विच उहने गेट दा वी सौदा करता। पर जदों इह गल घर वाली नूं पता लगी, ओ जाके कबाड़िए तो 4500 रुपए दे विच वेचिया होया गेट 5500 रुपए दे विच वापस लेके आई है। ए हाल साडे पंजाब दा हो रहा है, धर्मां दे नां ते लड़ाया जा रहा है। आ एक दो छलारू नवे उठ खड़दे ने रोज ही, धर्म दा बाणा पा के वड्डियां वड्डियां गल्लां करके ए कहंदे ने असीं उह कौम आ। कोई कौम दा आगू बनन लई कोई योग्यता होनी चाहीदी है। ऐ नहीं कि मैं अज वाल कटाए ने सवेरे वाल रखा, चोला पावा 500 रुपए दा कुर्ता चोला पा के श्री साहब कृपान नूं हथ च फड़ के ते मैं आगू बन गया। इस तरह आगू नहीं हुंदे, आगू आले गुण होने चाहीदे ने, तपस्या होनी चाहीदी है। तुसी उहनां दी की इनक्वायरी करा रहे हो, ओ क्यों स्टेजां ते रोज बोलदे ने, नौजवानां नूं भड़काउंदे ने,
ਜਦੋ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰੋਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਕੋ ਜਦੋਂ ਤੀਲੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆਂ ਤੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਟ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਰਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਘਰ ਚੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ 25-30 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਮਰਦੀਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਉਹ ਪੇਡ ਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ